ABPS News। सरकार की अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित छीतरा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 35 किलोमीटर है। लगभग 1400 की आबादी व 1000 वोटरों द्वारा योगेंद्र सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 200 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 53 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 10 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 85 इज्जत घरों का भी निर्माण गांव में कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। ग्राम प्रधान चित्रा से बोल रहा हूँ, ब्लॉक गजरोला, तहसील धनोरा, जिला अमरोहा। हमारे रास्ते कच्चे बहुत ज्यादा है, पैसा काफी कम मिलता है और काम कराने की इच्छा सबसे ज्यादा है, लेकिन पैसा ही तो काम कहाँ से कराया जाए। पंचायत घर की जरूरत है, एक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी, एक कन्या इंटर कॉलेज और गांव की सभी जो है जितनी भी है विधवा पेंशन है जितनी है, कोई हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब जो है ऐसे चल जाए। बोला पंचायत छीतरा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है और प्रधान जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे से धनराशि न आने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं।